जिनपिंग अपने ही देश के लोगों को जेल और डिटेंशन कैंप में ठूसते जा रहे हैं, विरोध को बेरहमी से कुचलते जा रहे हैं, लेकिन विद्रोह है कि अग्नि भड़कती ही जा रही है। तो सवाल यही है कि जब बागी लोग जिनपिंग की जेल और टॉर्चर से नहीं डर रहे हैं, तब जिनपिंग बगावत पर कैसे काबू पाएंगे? क्या वो भी तियानमेन की तर्ज पर अपने ही लोगों को टैंक से कुचल देंगे? अब 33 साल बाद पहले उस तियानमेन नरसंहार का सच देखिए, जिसे जिनपिंग 2022 में दोहरा सकते हैं। तारीख 4 जून 1989, जगह तियानमेन चौक, बीजिंग। तैतीस साल पहले की यही वो तारीख थी जब बीजिंग का तियानमेन चौक आंदोलन की आग में सुलग रहा था। 4 हफ्ते हो चुके थे आंदोलन, स्कूली छात्र थे, कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे, कौन नहीं था इस भीड़ में? सबकी मांग एक ही थी, तानाशाही का खात्मा हो, लोकतंत्र का आगाज हो। चीन के इतिहास में यह पहला मौका था जब लाल सुल्तान और सत्ता को सीधी चुनौती मिल रही थी। जो चीन दुनिया के सामने अपना हर पाप छिपाता था, उसी के घर में लगी आग दुनिया के सामने सरेआम हो चुकी थी। इसलिए आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शासकों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा दिए। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर चीन के हुक्मरानों ने इतना बारूद बरसाया जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे का रंग बेगुनाहों के लहू से और सुर्ख कर दिया था। करीब 3 दशक पहले ये वो नरसंहार था जिसके बाद चीन में लोकतंत्र एक दूर का ख्वाब बन चुका था। चीन में तब डेंग शियाओपिंग सत्ता के शिखर पर थे। छात्रों के प्रदर्शन से पूरी दुनिया में चीन की छींछा लेदर हो रही थी। चीन की सत्ता में बैठे तानाशाहों का हलक सूखा हुआ था। 19 मई को चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद चीन के फौजी ट्रकों का रुख तियानमेन चौक की तरफ हो गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के कई हिस्सों से फौज बुला ली गई। चीन के इतिहास में पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी बेड़े को मैदान में उतार दिया गया और फिर जो हुआ उसने चीन के इतिहास में अपनों के ही खून से लिखा एक ऐसा दस्तावेज जोड़ दिया जिसके हर पन्ने से लहू टपकता। माना जाता है कि तियानमेन नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन चीन सिर्फ चंद लोगों की मौत की बात कहता रहा है। 33 साल बाद दूसरी बार बीजिंग की तानाशाही के खिलाफ क्रांति की वैसी ही ज्वाला दिखाई दे रही है। अगर ये विद्रोह नहीं खत्म हुआ तो क्या जिनपिंग अपनी सरकार बचाने के लिए तियानमेन जैसा नरसंहार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे? जवाब के लिए पूरी दुनिया को थोड़ा इंतजार करना होगा।